तो इसकी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अब ये इसकी कंटिन्यूटी बेसिकली इसको ट्रेसिंग अगर करें, ये देखें ये लाइन यहाँ से मुझे ब्रेक लगती है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कीबोर्ड की कीज़ जो है कुछ फंक्शन नहीं करती कि उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसा कि ये कीबोर्ड है ये लिनोवो का है, ये आप कंपनी देख सकते हैं, इसके कुछ की फंक्शन नहीं कर रही, जिसमें इसमें असल मसला है ये स्पेस बार का, ये वाली फंक्शन नहीं कर रही। तो इसको हम पहले मैं टाइप करता हूँ, ये देखें ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा हो इधर से, ये बाकी सारी कीज़ फंक्शन कर रही हैं लेकिन जब ये मैं स्पेस बार दबाता हूँ तो ये फंक्शन नहीं करती। तो दोस्तों ये सदका जारिया के तौर पे वीडियो बनाई जा रही है, आप इस वीडियो को दूसरों के आगे शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और आने वाली वीडियो को भी आपको मिल सकें। तो अभी हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और इसको ले जाते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर ताकि इसका हम ऑपरेट कर सकें। दोस्तों कीबोर्ड आ गया यहाँ, अब हम इस कीबोर्ड को सबसे पहले खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए हमें इसको ये स्क्रू रिमूव करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये इसके स्क्रू हमने रिमूव कर लिए, ये इस तरह सेपरेट हो जाएगा आपका ये हिस्सा, और इसके ऊपर ये पैड लगा होता है। अब इसको हम घुमाते हैं तो ये है आपकी स्पेस बार का फंक्शन, इस जगह आपका स्पेस बार का फंक्शन है। तो बेसिकली ये आप इसको समझने के लिए, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, यहाँ से जो हम की प्रेस करते हैं वो ये दो इसमें से जो लाइनें आ रही होती हैं उनको बेसिकली जॉइंट करवाता है। इसमें जो इशू होता है वो ज़्यादातर तो यही होता है कि ये दोनों कीज़ के ऊपर बहुत दफ़ा डस्ट आ जाती है जिसकी वजह से वो फंक्शन नहीं कर पाती। आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है। बेसिकली मुझे तो यहाँ कुछ ये ब्लोन ऑफ लगता है बात, हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये जो बात है क्या ये हमें चाहिए। एक मीटर, मीटर को हम रखेंगे कंटिन्यूटी के ऊपर, जिसको मैं इधर रख देता हूँ ताकि दूसरा हम देखेंगे कि ये लाइन हमारी इसकी कंटिन्यूटी आगे जा रही है कि नहीं जा रही।
ये देखें, जब ये कनेक्ट होती हैं तो इसकी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अब ये इसकी कंटिन्यूटी बेसिकली, इसको ट्रेसिंग अगर करें, ये देखें ये लाइन यहाँ से मुझे ब्रेक लगती है, यहाँ से होती हुई इसके ऊपर जा रही है, और ये बाहर वाली लाइन ये बिल्कुल बाहर बाहर से जा रही है इसको, ये स्पेस बार की है, यहाँ से कनेक्ट है। यहाँ रीड नहीं कर रही, देखें ये देखो यहाँ तक रीडिंग कर रही है, यहाँ तक है आगे, तो यहाँ से ये ब्रेक है, तो ये पाथ बेसिकली इसका यहाँ से ब्रेक है। हम फाइंड करने की कोशिश करें, इस जगह से ब्रेक है, यस। आप यहाँ से अगर नज़र आए तो ये नज़र आ रहा है साफ मुझे, ये दोनों हिस्सों के दरमियान से ब्रेक है। अगर मैं फोकस करने की कोशिश करूँ तो ये यहाँ से ब्रेक है, चलें हम इसको कोशिश करते हैं कि किस तरह ये रिपेयर कर सकें। इसके लिए ये वायर्स हैं, इसकी एक वायर हम छोटी सी काट लेते हैं, ये स्ट्रेन, इसको वहाँ कनेक्शन इसका बनाते हैं। बहुत बारीकी वाला काम है, ज़रा बड़ी केयर से करना पड़ेगा। ये देखें यहाँ से ब्रेक है तो ये इस तरफ जाता है, हमने इस तरह पेस्ट करना है कि बाकी तारें भी इसके साथ शॉर्ट ना हों। दोस्तों मैंने इसको ये टेप के ऊपर चिपकाया है, अब टेप को हम इसके ऊपर लगाते हैं जहाँ से ये ब्रेक है, ताकि ये हमारा कनेक्शन बन सके। तो हम चेक करते हैं कि यह है कि हमारा ये कनेक्शन बन गया कि नहीं। जैसे कि देख सकते हैं कि अभी हमें कंटिन्यूटी मिल गई है, तो अभी हम इसको पैक करते हैं, पैक करके हमारा हम इसको दोबारा चेक करते हैं। इसके ऊपर हमारा ये आ जाएगा,
इसके ऊपर ये आ गया। दोबारा से इंश्योर कर लेते हैं कि हमारी ये इसके अंदर आपने सही तरह से बिठाना है। बिठा के फिर इसके ऊपर कीबोर्ड को हम लगाते हैं। इस तरह प्रॉपर से आप फिट करेंगे। ये मैंने ऊपर इसलिए उठाया कि नीचे से की प्रेस होके ताकि वो अकॉर्डिंगली हमारा लग सके, ताकि सही बैठ जाए। तो वीडियो को मैं भी दोस्तों पॉज कर लेता हूँ, पॉज करके इसको जल्दी से फिट कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। दोस्तों स्क्रू मैं सारे लगा चुका हूँ, अभी हम इस कीबोर्ड को ले जाते हैं और जाके फिर दोबारा से चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा हुआ। चलें दोस्तों अभी कीबोर्ड ले जाते हैं। ये कीबोर्ड रखा, अभी इसको हम इधर लगा लेते हैं। और इस हमारे ये देखें दोस्तों, हमारा स्पेस बार काम करना शुरू हो गया। यू कैन सी ये देखें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर कर दें। ये सदका जारिया के तौर पर बनाई जा रही है वीडियो। आप किसी और को शेयर करेंगे और कोई इससे फ़ायदा उठाएगा तो उसका अजर मुझे मिलेगा। स्टे ब्लेस्ड। और इस वीडियो को देख के मैं आप सब दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी इसको देख रहा है मेरे वालदे मरहूम के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। स्टे ब्लेस्ड।